हेलो बच्चों, वेलकम टू शिक्षापुर। मैं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द रेनबो। यह चैप्टर डीएवी पब्लिकेशन के क्लास टू के इंग्लिश में दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं द रेनबो। बोट सेल ऑन द रिवर एंड शिप सेल ऑन द सीज, बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रेटियर फार देन दीज। इसमें बोला जा रहा है कि बोट्स सेल मतलब बोट्स नाव तैरता है, चलता है ऑन द रिवर नदियों के ऊपर, एंड शिप्स और जो शिप होते हैं सेल मतलब चलते हैं, ऑन द या तैरते हैं ऑन द सी मतलब समुद्र के ऊपर, बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, लेकिन बादल जो होते हैं वो आकाश में, अक्रॉस द स्काई मीन्स आकाश में तैरते हैं, आर प्रेटियर ज़्यादा सुंदर होते हैं, फार देन दीज इन सबसे ज़्यादा, बादल जो आकाश में तैरते हैं इन सबसे ज़्यादा सुंदर होते हैं, जो बोट्स नदियों में चलता है और शिप समुद्र में चलता है उनसे ज़्यादा सुंदर होते हैं जो बादल आकाश में तैरते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। देर आर ब्रिजेज ऑन द रिवर, ब्रिजेज मतलब पुल होते हैं, ऑन द रिवर नदी के ऊपर पुल होता है, एज प्रेटी एज यू प्लीज जो कि सुंदर होता है, एज यू प्लीज और हम लोगों को क्या करता है, प्लीज मतलब खुशी देता है, आनंद देता है, बट वो लेकिन इंद्रधनुष दैट ब्रिजेज जो कि पुल बनाता है हेवन मतलब स्वर्ग तक, इंद्रधनुष जो होता है दैट ब्रिजेज मतलब जो कि पुल बनाता है हेवन स्वर्ग तक, एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज और पेड़ों के ऊपर तक पुल बनाता है, एंड बिल्ड्स और बनाता है ए रोड, एक रोड बनाता है, फ्रॉम द अर्थ मतलब पृथ्वी से टू स्काई आकाश तक, एंड बिल्ड ए रोड फ्रॉम द अर्थ टू स्काई मतलब जो वो मतलब इंद्रधनुष जो होता है वो बिल्ड मतलब बनाता है ए रोड, एक रोड बनाता है पृथ्वी से लेकर आकाश तक, फ्रॉम द अर्थ टू स्काई आकाश तक, इज प्रेटियर कहीं ज्यादा सुंदर होता है, फार देन दीज इन सबसे ज्यादा कहीं सुंदर होता है, जो नदी के ऊपर पुल होता है ब्रिज होता है और ये सबसे कहीं ज्यादा सुंदर होता है, जब एक इंद्रधनुष ये पृथ्वी से लेकर आकाश तक जब एक रोड बनाता है तो कहीं इन सबसे ज्यादा सुंदर होता है। ये है राइटर क्रिस्टीना रोजेटी। तो बच्चों अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो लोग मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डीएवी पब्लिकेशन का सभी बुक्स पढ़ाने वाला हूँ। थैंक यू, बाय।